उत्तर प्रदेश के अमेठी से आ रही बड़ी खबर से करेंगे अमेठी लोकसभा सीट को लेकर। यह बड़ी खबर है कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। कल राहुल गांधी नामांकन करेंगे, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी के लिए नामांकन पत्र खरीदा गया है, यह जानकारी सूत्रों से मिल रही है। आपको बता दें कि कल ही यानी 3 तारीख को ही नामांकन की आखिरी तारीख अमेठी लोकसभा चुनाव को लेकर है, इसलिए यह जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है बहुत अहम हो जाती है कि राहुल गांधी का अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है और कल राहुल गांधी बाकायदा अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र राहुल गांधी के लिए खरीदा गया है, यह जानकारी सूत्रों से मिल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले वायनाड केरल से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, हालांकि पिछली बार भी अमेठी से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। और वैसे राहुल गांधी को लेकर एक सस्पेंस खत्म होता है तो दूसरा सस्पेंस शुरू हो जाता है। लेटेस्ट अपडेट यह थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल ने यूपी से भी चुनाव लड़ने को लेकर हामी भरी है। उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, अंदर की कहानी, अंदर की बात क्या है, वो आइए आपको दिखाते हैं। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। 20 मई की बारी, अमेठी से नामांकन की तैयारी। अभी तक लोकसभा चुनावों में कांग्रेस समर्थकों के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन नामांकन की तारीख से ठीक एक दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली से आई खबर ने अमेठी की सियासत में संशय और सवालों के बादलों को साफ कर दिया और ये तय हो गया कि अमेठी के सियासी मैदान में राहुल गांधी फिर दिखाई देंगे, वो भी पूरी ताकत के साथ। कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन करेगी, हम गौरीगंज के अपने केंद्रीय कार्यालय से उठेंगे और वहीं से चलते हुए ढोल मजीरे नगाड़े के साथ, जनता के सैलाब के साथ कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन कराएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों अमेठी जैसी परंपरागत सीट को लेकर चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने की कश्मकश थी। तो इसका जवाब भी अमेठी से ही मिलता है। माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी से 2019 का चुनाव हारने के बाद भी इंटरनल सर्वे में कांग्रेस समर्थक यही चाहते थे कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़े, क्योंकि सवाल राहुल गांधी की साख का था, विरासत का था, और अमेठी से राहुल का न लड़ना बीजेपी को सीधे वॉकओवर देना था। यानी अमेठी का सियासी संग्राम अब और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि नामांकन से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर ने बड़ा सरप्राइज जरूर दिया है। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की दो और लोकसभा सीटों पर अपने